एक्टर्स यानी को क्रिएटर्स ऑफ क्रिएटर एंड इट्स को क्रिएशन एट इट्स बेस्ट। मेरे दोस्त दिनेश ठाकुर आप सबको मिनी ब्रह्मा कहते थे। एक्टिंग यानी क्या? यू पोर्ट्रे कैरेक्टर यानी बिहेव लाइक दैट कैरेक्टर। बिहेवियर यानी इमोशंस एंड एक्शन। सो एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट। नाउ सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव दिस इम्पोस्टर मैनिया कि विल आई बी एबल टू कनेक्ट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, क्योंकि यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, यू आर द मटेरियल, यू आर द सोर्स एंड यू कांट वेट फॉर द इंस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर के पास कलम है, एक पेंटर के पास ब्रश है, एक म्यूजिशियन के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जब उन्हें इंस्पिरेशन आती है तो एक अच्छा कलाम कहते हैं, एक खूबसूरत नज्म कहते हैं, एक अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं। यहां तो डायरेक्टर कहता है एक्शन एंड यू गॉट टू बी इंस्पायर्ड यानी इंस्पिरिट यानी कनेक्ट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो क्या करेंगे? सो एवरीबॉडी इज सो इनसिक्योर्ड, सब डरे हुए। तो पहले कुछ बातें हम समझ लें कि एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है, वेरी होलिस्टिक आर्ट, जहां दोनों ब्रेन आपको यूज करने हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिकल ब्रेन टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर एंड राइट टू क्रिएट। नाउ राइट ब्रेन का सही इस्तेमाल कैसे करें यह हमें कोई नहीं सिखाता। रिमेंबर ए फिल्म कॉल्ड थ्री इडियट, और 25% पीपल जो है इस दुनिया में साइकिक हैं, दे फ्लो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सब कैसे होता है। जैसे एक जमाने में फल तो पहले भी नीचे गिरते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि देर इज अ लॉ, देन न्यूटन फाउंड आउट के देर इज अ लॉ ग्रेविटेशन। यस, देर आर सर्टेन स्पिरिचुअल लॉज। सो इन ऑर्डर टू यूज बोथ द ब्रेन्स, या मैं इसे दूसरी तरह से कहना चाहूंगा कि दुनिया में दो तरह के एक्टर्स हैं, मेथोडिकल एंड एंड स्पॉन्टेनियस। द बेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मेथोडिकल काम कैसे करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्टैनिस्लावस्की, ली स्ट्रासबर्ग, चेखव, मतलब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक ही है। पर्सनली जो मुझे बहुत सिंपल लगता है कि वो है कि राइट द हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर। Why we behave the way we behave? Because of our history. We are on autopilot. So when you write the history, you become on your autopilot. To write, जो भी आपने मेथोडिकली काम किया, जैसे भी, वो तो लॉग ऑन हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है। लेकिन कैमरे के सामने आकर बहुत सारे लोग दे ट्राई टू स्क्वीज, छोड़ने की कोशिश करते हैं इमोशंस को, और इमोशंस तो रेत की तरह है ना, उसे कस के मुट्ठी में बंद करोगे तो क्या होगा? तो इसका जवाब जो दिया वो स्पिरिचुअल टीचर्स ने, एक आर्ट टू ले हाउ टू बी यू नो इन द मोमेंट हेयर नाउ। सो एक आर्ट टू ले वेरी सिंपल थिंग, इवन ए सिंपल कॉन्शियस डीप ब्रेथ, कॉन्शियस डीप ब्रेथ, यू आर नॉट वॉचिंग, ब्रिंग्स यू टू प्रेजेंट मोमेंट। लाइक इफ आई डू दिस, एंड देन योर माइंड स्टॉप्स, माइंड यानी थॉट्स, एंड माइंड इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ योर इंटेलिजेंस। तो एक वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अराइजेस, गेट्स एक्टिवेटेड, या यूं कहूं तो यू स्टार्ट कमिंग फ्रॉम योर सोर्स। पंडित रविशंकर एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि 90 साल की उम्र में भी किसी कॉन्सर्ट में कुछ ऐसे सुर लगते हैं जो उन्होंने कभी जाने सुने ही नहीं। मैजिकल मोमेंट, एक चमत्कार होता है। तो इफ यू डू दिस के मेथोडिकली काम करने के बाद, और जो भी आपको समझ में आता है कि सीन पर काम किया, यू यूज अ टेक्निक मैजिक, इफ आई मैं ये पात्र होता है वगैरह वगैरह वगैरह, और ये स्थितियां होती तो
कैसे बिहेव करता है, एंड देन यू टेक ए कॉन्शियस डीप ब्रेथ. सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन योर माइंड स्टॉप्स, क्रिएटिविटी अराइजेस, ब्यूटी अराइजेस, लव अराइजेस. सो ऑल ऑफ अ सडन क्रिएटिव जूसेस आर फ्लोइंग एंड यू बिकम अ को क्रिएटर. Your soul starts giving birth to a new soul and you watch, you stand out. Like Sakshi Bhav se, Drashta Bhav se, your own acting. And every shot becomes an award in itself because you enjoy the process of creativity. You're not kind of critic of your own acting, like the mind keeps oscillating in the past and future. You become aware. बुद्धा से किसी ने पूछा था आर यू एनलाइटेंड, ही सेड नो आई एम अवेयर. सो यू बिकम अवेयर ऑफ योर एक्टिंग एंड यू बिकम अ को क्रिएटर. मेनी पीपल हैव दिस यू नो ईगो कह लो या दे क्रिएट सेल्फ, दे ट्राई टू क्रिएट, नो देन दे स्टॉप एट देयर पर्सनैलिटी विच इज एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी आपकी अपनी खुद की है भी नहीं. मैं कई बार कहता हूँ कि मैं एक भिखारी को ये सिखा सकता हूँ कि कैसे आप दयनीय चेहरा बनाओ और आवाज में दर्द पैदा करो और यू नो किस तरह से किस बॉडी लैंग्वेज से भीख मांगो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा. लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप जिस सीट पर बैठकर भीख मांग रहे हैं उसको खोलो. जिस खोखे पर बैठकर भीख मांग रहे हैं उसके अंदर कितने हीरे जो आते हैं, यानी आप भिखारी हैं ही नहीं. लेकिन वी डू नॉट नो अबाउट अवर सोर्स. सो जो हमारा मटेरियल है, जैसे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो माँ बाप ने दिए, आपको बताया गया कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, वट एवर, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नो आइंस्टाइन. सो यू स्टॉप देयर. There is no paradigm shift, no lateral thinking, no out-of-box thinking. Basically, all I'm saying is you come from your source and source, you know, you have no idea. That's when you open the box and the wealth you have. So, just to kind of sum up, first work methodically, whichever way. Take a conscious deep breath. The moment you take a conscious deep breath, the mind stops. You come in the moment, and the creativity is possible only in the moment, when you are present, when you are aware, when you are conscious. Call it Buddha in you, call it God, call it spirit, soul, and then you start co-creating. And you can watch your own co-creation like in Vipassana, you know, and then everything becomes celebration. Life mein bhi aap ye kar sakte hain, tatasth bhav se, samandar ke kinare aap baithe hue hain, nadi ke kinare baithe hain, kahin phool bhi ja rahe hain, kahin dead objects ja rahe hain, lekin aap pratikriya nahi karte, aap watch karte, aap sirf watch karte. Economy के साथ, तो that's how you can, you know, live your life. तो एक दिन ऐसा भी आएगा when you hurt is not going to hurt you. जो tears हैं आपके, right? You can watch your tears, you can watch your pain. तो आप acting में भी ऐसा करेंगे और acting में सबसे बड़ी बात है because you cause it. Life will become effect of our situations, emotions. Here you create. एंड देन आप अभिनय ऐसे करोगे जैसे जीवन जी रहे हो और जीवन ऐसे जियोगे जैसे अभिनय कर रहे हो. गॉड ब्लेस ऑल. मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करें क्योंकि एक्टर्स जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक, इट्स वेरी स्पिरिचुअल एंड आपके जो भाव हैं लोगों के मन में जो रस पैदा करते हैं. सो आप जो कर सकते हैं, or everybody is seeking happiness, so you can make people happy, and I want everybody to learn this ke effect ke liye kaam nahi karo, express and be aware of the effect, and then you know there is going to be so much joy. This is going to be a good earth. Love you all unconditionally.